नमस्कार मित्रों, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है रामधारी गुप्ता की हिंदी आशुलिप उच्च गति अभ्यास खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 69 व 70, गति 100 शब्द प्रति मिनट। नए डिक्टेशन की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। इस डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें या हमारी वेबसाइट gkword.co.in को विजिट करें। किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके ज्वाइन करें। 5 सेकेंड्स स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं, इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं, वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप पाएंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें 4 करोड़ लोग मरे, लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूं, आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, लगभग 5 दशक पहले में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहां पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम
अधिक अन्न पैदा करें। हमारा लक्ष्य यह भी था कि हम अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाएं। इसका यह भी आशय नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहां पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आएं कि वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहां की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं, यह उचित नहीं है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने भी अधिक क्यों न हों, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझा कर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। परंतु दुख की बात यह है
एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बटाने का विश्वास दिलाया है। स्टॉप। इस डिक्टेशन की PDF फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें या हमारी वेबसाइट gkword.co.in को विजिट करें। किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके ज्वाइन करें।